माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ फेस्टिवल ऑफ चैरियट कैम्ब्रिज रथ यात्रा में। आप सबको दिखाऊंगी उधर क्या सब हो रहा है, तो चलिए मेरे साथ। अभी हम बस स्टॉप पर है एंड बस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम कार में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रथ यात्रा की वजह से उधर बहुत सारा ट्रैफिक होगा, तो अवॉइड करने के लिए हम बस में जा रहे हैं। एक कैम्ब्रिज रथ यात्रा कैम्ब्रिज के न्यू स्क्वायर पार्क में है एंड हम उधर पहुंच गए हैं। मैं थोड़ा लेट पहुंच गई, तो ये रथ यात्रा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो आइए आपको दिखाती हूँ ये रथ यात्रा कैसे की गई। मैंने पहले कभी भी रथ यात्रा अटेंड नहीं की थी, ये फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ एंड ये कैम्ब्रिज इस्कॉन वालों ने बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। सब लोगों ने इस रथ यात्रा में बहुत ही अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया था, ये देख के बहुत ही खुशी हुई। इस रथ यात्रा में दो चैरियट्स थे, एक छोटा एंड एक बड़ा वाला। छोटा वाला बच्चे पुल कर रहे थे। ऑर्गेनाइजर्स ने बोला कि 600 से भी ज्यादा लोगों ने ये परेड देखा है एंड नेक्स्ट ईयर ये बिगर एंड बेटर हो सकता है। क्राउड भी अच्छी खासी थी एंड इस्कॉन वालों ने ये क्राउड को अच्छी तरह से मैनेज भी किया। ऑर्गेनाइजर्स ने बोला कि मोर देन 100 वॉलंटियर्स थे हेल्प करने के लिए। ये देखिए छोटा चैरियट बड़ों की मदद से बच्चे पुल कर रहे हैं। क्राउड इतनी थी कि हमें लगा कि एक कैम्ब्रिज के स्ट्रीट छोटे पड़ रहे हैं। इस रथ यात्रा का एंड डेस्टिनेशन है न्यू स्क्वायर पार्क, जहां हम अभी पहुंच गए हैं। अभी आप इस रथ को क्लियरली देख सकते हैं। मेरा दोस्त दिखे तो मैंने उनका भी वीडियो ले लिया। ये रथ यात्रा कैम्ब्रिज बस स्टॉप के पास ही था, तो आप पीछे से बसेस को देख सकते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सेल्फी भी ले लूं। बैठने का अरेंजमेंट भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इधर स्टॉल भी लगे हुए थे, तो आपको दिखाती हूँ ये स्टॉल में क्या सब मिल रहा था। ये देखिए प्राइजेस 2 pound 3 pounds डिपेंडिंग ऑन द साइजेस थे। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आए, प्राइस भी रीजनेबल था। ये देखिए 2 pound 4 pound डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड क्वालिटी। इस्कॉन वालों ने खाने का इंतजाम भी किया हुआ था। जो भी इस रथ यात्रा में पार्टिसिपेट किए उनको खाना भी सर्व किए, लेकिन क्यू बहुत ही लंबा था। ये देखिए फेस पेंटिंग एंड हेना के स्टॉल भी थे इधर। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़ों ने भी ये मेहंदी एंड फेस पेंटिंग लगाया। इधर बुक स्टॉल भी था। हेल्प डेस्क स्टॉल एंड डोनेशन स्टॉल भी रखे हुए थे। और देखिए ये स्टॉल में क्या सब मिल रहा था। Natasha, Chakraborty, Kapha Group. Can we have a big round of
अभी कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हुए, लेकिन मैं आपको पूरा डांस नहीं दिखा पाऊंगी, तो आप ये थोड़े थोड़े झलक एंजॉय कीजिए। A big round of applause to all of them. ये कीर्तन के साथ हमने ये रथ यात्रा कंप्लीट की। फाइनली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस रथों को जूम करके कैप्चर करने का। My husband and my son. Hi, Auric. ये देखिए सब लोग आरती भी ले रहे हैं जाने से पहले। ये रथ यात्रा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई और मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। मैं ये व्लॉग इधर ही एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय।